नमस्कार, मैं हूं अनीशा दीक्षित और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टॉप न्यूज़ नेटवर्क्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसके प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया में बढ़ती हुई गंदगी, पॉल्यूशन और पॉल्यूशन से बढ़ती हुई बीमारियाँ। आई होप आप लोगों को गाजीपुर के गार्बेज माउंटेन के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, वो ऐसी जगह है जहाँ इतना कूड़ा, इतनी गंदगी इकट्ठी हो चुकी है कि उसका नाम गार्बेज माउंटेन पड़ चुका है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी गंदगी मौजूद है। आज हम लोगों से यही जानने आए हैं कि उनके जीवन में सफाई का क्या महत्व है या फिर सफाई उनके घर तक ही सीमित है। साथ के साथ ये भी जानेंगे कि वो लोगों को सफाई के प्रति कैसे जागरूक करते हैं। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं लोगों की राय। बात करूँ इंडिया की सफाई के बारे में तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? That we citizens are not as responsible as we should be. I mean, everything cannot be blamed on the government. We have to take the own charge of ourselves. गंदगी ही दिखती है हर जगह। Educated लोग भी देखते हैं मुझे फेंकते हुए, क्यों? उनका reason क्या होता है? If we are paying the education cess, तो हम कूड़ा यहीं पर फेंक देते हैं। ये चीज मैंने अपने कॉलेज लेवल पर देखी। I am an assistant. Even government is providing dustbin also. Yeah, although government is providing the dustbins and all the necessities, लेकिन still I found कि लोग फेंकते हैं। सबसे पहला ख्याल यही आ रहा दिमाग में कि पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये देखो इधर देखो वो सारा थूक रखे कोने पे और चलते चलते पर्चियाँ फाड़ के फेंक देते हैं। उनको थोड़ी इतनी पढ़ लेते हैं कि उनको नॉलेज ये भी नहीं रहती कि इसको कस्टम बाहर के विदेशी होते हैं, वो फाड़ के कुछ भी चीज़ होगी तो जेब में रख के और कूड़ेदान में डालेंगे। दिमाग तो बस इसी ईपी की वाइट वॉल्स जो रेड हो चुकी है उससे यही दिमाग में आता है बस। और तो बस मतलब आसपास गंदगी दिखी आपको, गंदगी आई दिमाग में, राइट? मेरा ये कहना है कि लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और जो कचरा है वो इधर इधर उधर फेंकने की जगह जहाँ जहाँ पे आजकल तो दिल्ली में हर जगह बना हुआ है, जैसे आपके पीछे भी बना हुआ है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें फेंकनी चाहिए। बता सकते हो, जैसे हम देख सकते हैं आप समाज सेवा करते हो, लोगों को गंदगी से दूर रखते हो, तो आपको क्या लगता है कि लोग पढ़े लिखे लोग होके रोड पर कचरा फेंकते हैं, तो आपके उसके बारे में क्या कहना है? हम कहते हैं लोगों से कि आप कचरा करते हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, तो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। And the first and foremost thing is that unless and until we are very responsible for the country, there's no other means that a government or a, you know, authoritative power can do something for that. So you mean it's come from within only, right? Yeah, basically you have to raise the level of your consciousness and, you know, treat this entire country as of your own. Like, agar aap kabhi bhi apne ghar mein gand phailate ho, to first of all to phailate nahi ho. Dusri baat hai, phailate bhi usi waqt jhat se dal do ki nahi yaar mera ghar hai. So this is also a larger extended family. भूलना नहीं चाहिए, एक्चुअली सफाई बहुत मेन है। लाइक मैं भी घर पे बहुत सफाइयाँ रखता हूँ, लाइक आई यूज़ टू क्लीन माय रूम एंड ऑल। बाहर नहीं, बाहर बाहर आलस आता है बट लेकिन कर लेता हूँ मैं भी। व्हाई? लाइक स्वच्छ भारत, अपनी मोदी जी ने अपनी शुरू करा है स्वच्छ भारत अभियान, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी बहुत बड़ा पार्ट हूँ इसमें, क्योंकि मोदी जी अपने लगते हैं। उल्टा जवाब मिलता है, मतलब अगर आप किसी को जागरूक करते हैं कि सफाई रखें, कूड़ा ना फैलाएं और काम करते हैं तो बोलते हैं आप धूल मिट्टी इतनी क्यों उड़ा रहे हो, अगर हम काम कर रहे हैं तो धूल मिट्टी तो जरूर उड़ेगी। कहते हैं हमारे ऊपर धूल आ रही है, पाउडर लग रहा है हमारे ऊपर, ऐसा मत कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आजकल जो एक नया काम हो रहा है जिसमें कि अब ऐसी मशीन्स आने वाली है मार्केट में कि वो घर घर में एस्टेब्लिश हो, मतलब लगा सकते हैं आप, जिसमें कि आप गीला कचरा एक तरफ रखें, सूखा कचरा एक तरफ रखें। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ हो जाएगी कि घर घर में भी जो कचरा हमारा इधर उधर फैला रहता है वो भी नहीं होगा और रोड में तो फिर लगेगा ही ये चीज़। वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, राइट? हाँ, वेट एंड ड्राई वेस्ट। और अगर हम बात करें सफाई की, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने अभियान तो चलाया स्वच्छ भारत अभियान, बट उसका कितना असर हम देख रहे हैं आसपास वो सभी को दिख रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? असर तो नहीं दिख रहा है, बस वो पॉलिटिशियंस अपनी फोटोज डालते रहते हैं, वही असर है बाकी। तो आपको ऐसा ही लगता है कि इन लोगों को कुछ सीख देनी चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए, कुछ जागरूकता लानी चाहिए इस चीज़ के बारे में? या तो क्या चढ़ाना चाहिए इन लोगों को, खुद ही अक्ल आनी चाहिए, या इतने लोग ने पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, इतने जितने पढ़े लिखे होते उतने बेवकूफ़ होते हैं। लोगों को यही कहेंगे यार कि जस्ट यू नो जस्ट डाइव इन डीप एंड हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिबिलिटी कि यार अपना ही घर है, ये भी रहना तो हमने भी यहीं पे ही है एट द एंड ऑफ द डे, सो अगर साफ रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा यार। सो इवन इफ यू आर सेल्फिश, इवन दैट रीजन यू कैन टेक टू बी यू नो क्लीन एंड विद इन द सिटी एंड जस्ट कीप इट ग्रीन एंड दैट्स अबाउट इट। सफाई के लिए आजकल कूड़ेदान लगा रखे हैं, लोग बागों को देखना चाहिए, हमारा देश है ये भारत, इसके अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए, इधर उधर कुछ चीज़ें ना फेंके, कूड़ादान देखे उसी में डाले, वो तो अच्छी बात है। ये आपने गाजीपुर के गार्बेज माउंटेन के बारे में सुना है? Yes,
लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर. वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट अगर ये सारे इनिशिएटिव्स ले रही है ना, कि अगर वो ये सारी प्रोवाइड कर रही हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट भी में भी लोगों को अवेयर करें, सो दैट उन्हें पता चले कितना वेस्ट है और वो खुद आगे चल के जिस कैंसर क्यों फैल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ. आई थिंक ये उन्होंने सबसे अच्छी बात बोली कि हम लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाए. लोगों को जागरूक ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने स्टूडेंट को बोल सकती हूँ, मेरे अगल बगल अगर मैं मार्केट में आई हूँ, अगर मैं किसी को देखती हूँ तो मैं किसी को बोलूँ कि आप कचरा इधर उधर मत फेंकिए. मैं खुद भी अपने आप में ऐसे करूँ कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें बनी है वहाँ पे फेंकूँ, ना कि इधर उधर फेंकूँ. बट हम ये भी देखते हैं कि मैंने इवन पर्सनली देखा है कि अगर हम किसी को टोकते हैं तो उसको बुरा लगता है. तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि ये चीज़ें 10 में से 8 जगह तो ऐसी आपको होगी, बिकॉज इट इज़ द इनिशियल स्टेज, है ना. तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को बोलें कि उसको बुरा ना लगे. और लोगों को, जैसे आप, हम देख सकते हैं कि आप सफाई करते हैं, लोगों को गंदगी से बचाते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे, उनको जागरूक करना चाहेंगे साफ़ सफाई के बारे में? समझ आएगा तो ज़रूर बोलेंगे कि इतना कूड़ा ना फैलाएं, अच्छी बात है. इतना कूड़ा फैलता है बहुत ज़्यादा, वो तो मैंने काम कर लिया, तो आप देखते कितना कूड़ा हो रहा था अभी, और आप देखिए डस्टबिन नहीं है, लोगों ने फुल डस्टबिन बनाया. एस बी ऑल कैन सी कि दिस इज़ नॉट अ डस्टबिन, बट लोगों ने इसे डस्टबिन के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. तो हम देख सकते हैं कि सफाई अभियान कैसा चल रहा है हमारे देश में. स्वच्छ भारत अभियान, ये कैंपेन तो हमने कई बार कई जगह होते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं हम सबको भी बताएं कि ये कितना असरदार रहा. जैसा कि हम सब ने लोगों से बात करी स्वच्छता के बारे में, तो कई लोगों का यही कहना है कि डस्टबिन होते हुए भी लोग सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं. अगर वहीं बात करें घर की सफाई की, तो वहाँ पूरा ध्यान देते हैं, बट बाहर क्यों नहीं ये लोग ध्यान देते. मेरा आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि जैसा आप अपने घर में सफाई का ध्यान देते हैं, वैसे ही बाहर रहें, क्योंकि आखिर में हमें इसी देश में रहना है. आई मस्ट से क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉप न्यूज़ नेटवर्क्स. थैंक यू.